हेलो भाई, आज हम आप लोगों को बता रहे हैं टाइप ऑफ फिटर, फिटर के कितने प्रकार होते हैं। तो इनमें से देखिए, आपका पहले मैं बता चुका हूँ फिटर के प्रकार के बारे में। अब इसके बाद मैं आपको सीरियल से बता रहा हूँ कि फिटर कितने प्रकार के होते हैं। नंबर एक पे आता है आपका बेंच फिटर। नंबर दो पे आपका आता है मेंटेनेंस फिटर। फिर नंबर तीन पे आपका आता है डाई फिटर। नंबर चार पे आपका आता है प्लम्बर फिटर। नंबर चार पे आपका आता है पाइप फिटर। सीरियल से लिखते जाइए, लिखने के बाद आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सीरियल से नहीं लिखेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। नंबर पाँच पे आपका आता है असेंबली फिटर। नंबर छः पे आपका आता है डाई फिटर हो गया है। इसके बाद आपका आता है फैब्रिकेशन फिटर। देखिए, मैं आपको फिटर के बारे में बता दिया। फिर इसके बाद आता है कुशलता के आधार पर निम्नलिखित कारीगर काम करने के लिए कितने प्रकार के आपके फिटर आते हैं। आपका सबसे पहले होता है बेंच फिटर। के बाद आपका आता है मेंटेनेंस फिटर। फिर आपका आता है डाई फिटर, पाइप फिटर, असेंबली फिटर, फैब्रिकेशन फिटर। देखिए, बेंच फिटर के अंतर्गत आपका आता है कोई भी पार्ट बनाना हो, बनाने के लिए जहाँ आपको कटिंग करेंगे, कटिंग करने के बाद बेंच वाइस में टाइट करेंगे, टाइट करने के बाद हेक्सा फ्रेम विद ब्लेड के द्वारा कटिंग करेंगे, कटिंग करने के बाद जाप की मार्किंग करेंगे, मार्किंग करने के बाद पंचिंग करेंगे, पंचिंग करने के बाद कटिंग करेंगे, कटिंग करने के बाद फाइलिंग करेंगे, फाइलिंग करने के बाद यदि जाप में हमें होल करना है तो ड्रिल मशीन के द्वारा उसमें होल करेंगे और जाप को फिनिश करेंगे। इसके बाद हमारा आता है मेंटेनेंस फिटर। मेंटेनेंस फिटर के अनुसार कोई भी मशीन है, यदि वो बिगड़ गई है, बिगड़ जाने के बाद हम उसको खोलेंगे, खोलने के बाद जो उसका पार्ट चेंज करने लायक होगा, खराब होगा, तो उस पार्ट को चेंज करेंगे। और यदि पार्ट में थोड़ा बहुत इधर उधर डिफरेंस हुआ है तो पार्ट को खोल करके उसकी मरम्मत करके उसे फिनिशिंग करके दोबारा लगा देना और दोबारा मशीन को चालू कर देना, एक मेंटेनेंस फिटर के अनुसार ही होता है। फिर इसके बाद आपका आता है डाई फिटर। डाई फिटर के अनुसार देखे होंगे हमारी अनेक प्रकार की डाइयाँ होती हैं, जैसे चूड़ी बनाने वाली डाई, या जैसे देखे होंगे कोई पार्ट्स बनाने वाली डाई। हमारा गरम लोहा या चद्दर आता है और डाई में बांध कर डाल करके, जैसे हमारा कोई ढलवा लोहा आता है, सांचे में डाल करके टूल्स बनाया जाता है या औजार बनाया जाता है या पार्ट बनाया जाता है, उसी प्रकार डाई के अनुसार हमारी डाइयाँ होती हैं, मशीन पे, डाई मशीन पे बंधी होती हैं। उसके अनुसार हमें जाप बनाने के लिए जितने नंबर की डाई का प्रयोग करना होता है उस हिसाब से जाप को डाई लगा करके पार्ट बनाया जाता है। फिर इसके बाद हमारा होता है पाइप फिटर। पाइप फिटर के अनुसार देखे होंगे जो आपका छत में पाइप लगाने के लिए, या आपका जो गैस पाइप होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए, तेल वगैरह, पानी, ऐसे जो भी पाइपों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान पहुंचाने के लिए हमें पाइप फिटर का प्रयोग होता है। पाइप को मोड़ने के लिए ये सब पाइप फिटर के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद आता है असेंबली फिटर। एक मशीन क्या होती है कि छोटे छोटे पार्टों के द्वारा बनी होती है, उन पार्ट सारे पार्ट अलग अलग होते हैं, उन पार्टों को असेंबल करने के लिए, असेंबल करने के बाद ही एक मशीन का रूप होता है। तो इसमें असेंबली फिटर में छोटे छोटे पार्टों को आपस में असेंबल करके या आपस में जोड़ करके एक मशीन की आकृति देना या मशीन को बनाना एक असेंबली फिटर के ही अनुसार काम होता है। फिर इसके बाद आता है आपका फैब्रिकेशन।
फैब्रिकेशन के अनुसार आप देखे होंगे दरवाजा खिड़की ये सब बनाने के लिए एक फैब्रिकेशन के अनुसार ही जिसमें बिल्डिंग का काम होता है या अन्य प्रकार के काम होते हैं वो एक फैब्रिकेशन फिटर के अनुसार ही या अंतर्गत सारे काम आते हैं। फिर इसके बाद देखिए एक कुशल फिटर के लिए कौन कौन से काम करने पड़ते हैं उनके बारे में मैं आपको अभी बता रहा हूँ। देखिए कुशलता के आधार पर फिटर कारीगर, एक जो फिटर कारीगर होता है उसे कौन कौन से कार्य करने करना पड़ता है देखिए इसके लिए अन्य आपको हैं मशीन औजार फिटर, नंबर एक पे आता है आपका मशीन औजार फिटर। मशीन औजार फिटर किसी भी मशीन में अनेक प्रकार के औजारों का प्रयोग करने के लिए या बनाने के लिए या मशीन को असेंबल करने के लिए जिन जिन उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है वहाँ पर एक मशीन फिटर ही उन औजारों के द्वारा या टूल्सों के द्वारा कार्य कर सकता है। इसके बाद आपका आता है ऑटो फिटर। ऑटो फिटर जो गाड़ियों को फिट करने के लिए कार्य करते हैं, देखिए आपकी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो ऑटो फिटर में आती हैं, आपका मारुति सुजुकी है, ये आपका टाटा है और ये आइसर है, बहुत सी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जहां पे गाड़ियां बनती हैं और उन गाड़ियों को फिट करने के लिए ऑटो पार्ट्स या फिटर के द्वारा ही वहाँ पर कार्य किया जाता है अपने अपने वर्ग पे। ऑटो फिटर के बाद आपका आता है पेट्रोल या डीजल इंजन फिटर। आपका इंजन पेट्रोल का हो या डीजल का हो उसको फिट करने के लिए एक फिटर कारीगर का ही प्रयोग होता है, चाहे आप डीजल हो या इंजन गाड़ी हो, कोई भी गाड़ी हो, कोई भी इंजन हो, उसको फिट करने के लिए एक फिटर का ही काम होता है। तो जैसे मैं पहले बता चुका हूँ जिस तरीके से एक मनुष्य के शरीर में रीढ़ का प्रयोग होता है उसी प्रकार से किसी भी कार्य को करने के लिए टेक्निकल कार्य में एक फिटर की आवश्यकता जरूर होती है। रीढ़ की हड्डी के समान ही फिटर वाले का हर जगह यूज है, कहीं ना कहीं, चाहे वो आपका मशीन औजार में हो या ऑटो फिटर में हो, पेट्रोल फिटर डीजल इंजन में हो, कहीं पर भी हो कहीं ना कहीं उसकी जरूरत आवश्यक है। फिर ये आपका आता है विद्युत फिटर, चाहे इलेक्ट्रीशियन काम हो, बिजली वाला काम हो, कहीं भी हो वहाँ पर भी आपका विद्युत फिटर का। नंबर 6 पे आपका आता है रेलवे में लोकोमोटिव फिटर, रेलवे में लोकोमोटिव फिटर। इसके बाद आपका आता है टरबाइन फिटर, टरबाइन फिटर। देखिए जितने भी फिटर हैं उनके बारे में मैं आपको जानकारी दे दिया। अब फिर इसके बाद आपका आता है फिटर व्यवसाय, फिटर व्यवसाय में कौन कौन से टूल्सों का प्रयोग किया जाता है खोलने और बंद करने के लिए, उसके बारे में मैं आपको टूल्सों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ कि अब फिटर व्यवसाय में किन किन टूल्सों का प्रयोग। देखिए आप कहेंगे फिटर व्यवसाय की कार्यशाला, देखिए फिटर व्यवसाय की कार्यशाला, फिटर व्यवसाय कार्यशाला के अंतर्गत कौन कौन से होते हैं कार्य होते हैं देखिए इसमें है फिटर कार्यशाला में जो भी उपकरण औजार मशीन तथा अन्य सामान जहां भी जिस स्थिति में रखा है उसका ड्राइंग के रूप में रेखीय चित्र बनाना ही कार्यशाला का लेआउट तैयार करना कहलाता है। जो आपका कार्यशाला होता है, कार्यशाला में जहां भी आप काम कर रहे हैं वहां से जो जहां टूल रखा होता है ड्राइंग के अनुसार वो टूल वहीं से उठाइए और वो टूल वहीं पे सुरक्षित रख दीजिए ताकि आपको काम करते समय इधर उधर खोजना ना पड़े, टाइम ज़्यादा ना बर्बाद हो। तो इसलिए ड्राइंग के अनुसार उसमें लिखना होता है, ड्राइंग बोर्ड बना होता है, टूल्स बोर्ड बना होता है, साइडों को साइडोस को बोलते हैं,
तो उसमें क्या होता है कि आपका जो टूल्स जितने नंबर का लगा होता है, 10 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर ऐसे ही लिखे होते हैं, वो टूल्स काम करने के बाद वहीं पे रखते हैं ताकि हमें हमारा टूल्स सुरक्षित बना रहे और कार्य करने के बाद हमें तुरंत प्राप्त हो जाए। इसलिए कार्यशाला की लंबाई व चौड़ाई में साइज तथा इसमें सामान का रेखीय चित्र बनाना, जो हमारा कार्यशाला होता है पहले से उसको नाप के लंबाई चौड़ाई नाप के बनाते हैं ताकि हमारा कौन सा सामान कहाँ पे एडजस्ट होगा या कौन सा बोर्ड हम कहाँ लगाएंगे, जिससे कि हमारे जितने भी सारे टूल्स हैं वो सुरक्षित एक स्थान पर रखे रहें। फिर इसके बाद आपका आता है उपकरण मशीनों का परिचय, जो हमारा उपकरण होंगे उनके बारे में किन किन मशीनों के द्वारा तैयार करते हैं, या जो हमारा टूल तो होता है उसके बनाने के लिए किन किन, जो हमारा जॉब होता है उसको बनाने के लिए हमें किन किन टूल्सों या किन किन उपकरणों का उसमें प्रयोग किया जाता है उसके बारे में बता रहे हैं। उपकरण मशीनों का परिचय, इसके अंतर्गत फिटर व्यवसाय में काम आने वाले मापन औजार, कर्तन औजार, मार्किंग औजार और खोलने व कसने वाले औजार आदि। देखिए इसमें मापने वाले औजार, मापन औजार, खोलने वाले औजार करता ना औजार। इसके अलावा आपके आते हैं, देखिए इन औजारों के बारे में उपकरण मशीनों का कार्य का परिचय, उपकरण जो भी हम जॉब बनाएंगे उसमें कौन कौन से टूल्सों का प्रयोग होता है, मापने वाले औजार, खोलने वाले औजार, करता ना औजार। अब इसमें देखेंगे कि हमें मापने वाले में कौन कौन से हमें टूल्स चाहिए, बनियर कैलिपर्स चाहिए, हमें स्केल चाहिए, हमें इंची टेप चाहिए, हमें ट्राई स्क्वायर चाहिए, काम के अनुसार अलग अलग औजार हमें यूज में लाने के लिए चाहिए। इसके बाद खोलने वाले औजारों में हमें 5 रिंच चाहिए, हमें नोच प्लायर चाहिए, हमें स्क्रू ड्राइवर चाहिए, हमें स्पैनर चाहिए, ऐसे अनेक प्रकार के हमें टूल्स खोलने के लिए जरूरत पड़ती है। फिर इसके बाद हमारा आता है कर्तन औजार, कर्तन औजार पे हमें हेक्सा फ्रेम विद ब्लेड चाहिए, इसके अलावा हमें ड्रिल मशीन चाहिए, इसके बाद हमें हेक्सा चाहिए, इसके बाद हमें चीजल चाहिए, इसके बाद हमें काटने के लिए फाइलिंग करने के लिए हमें फाइल चाहिए। तो कर्तन औजार में से ऐसे कार्य के अनुसार अलग अलग प्रकार के हमें कटिंग औजारों की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें हम आपको बता दें कौन कौन से हमें किस जगह में हमें किन किन टूल्सों का प्रयोग करना पड़ता है उसके बारे में बता रहे हैं। इसके बाद हमारा आता है मापन औजार, मापन औजार में देखिए हमें किन किन टूल्सों की जरूरत पड़ती है। नंबर कार्यशाला में निम्नलिखित मापन औजार काम में लिए जाते हैं, आउटसाइड कैलिपर्स, इनसाइड कैलिपर, जैनी कैलिपर, डिवाइडर, ट्रेमल, स्टील रूल। देखिए मापने के लिए हमें आपका आता है ट्राई स्क्वायर, नंबर एक, नंबर दो पे आता है स्टील रूल, ये हमें हर प्रकार के कार्य के अनुसार अलग अलग मापने के लिए टूल्सों की जरूरत पड़ती है। फिर इसके बाद आता है आपका
मार्किंग औजार, हमें मार्किंग करने के लिए कौन कौन से औजारों का प्रयोग। देखिए मार्किंग में हमें कौन कौन से टूल्सों की जरूरत पड़ती है। मार्किंग करने के लिए हमें ट्रैमल, स्टील रूल, ट्रैमल, नंबर दो स्टील रूल, आउटसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर। इसके अलावा देखिए अब हमारा आता है मार्किंग औजार। यही हमारा मार्किंग औजार में हमारा ट्रैमल हो गया, स्टील रूल हो गया, आउटसाइड कैलिपर हो गया, इनसाइड कैलिपर हो गया। इसके बाद हमारा डिवाइडर आता है, ट्राई स्क्वायर आता है, ये सारे टूल्स हमारे कर्तन औजार। देखिए अब ये है हमारे कर्तन औजार। कर्तन औजार का मतलब कटिंग औजार, हमारे कौन कौन से कटिंग औजार प्रयोग में लाए जाते हैं। इसमें से देखिए कर्तन औजार में हमारा आता है ये फिटर कारीगर को निम्नलिखित कर्तन औजारों को काम में लेना पड़ता है। नंबर एक आपका होता है हैक्सा, नंबर एक हैक्सा, नंबर दो फाइल, नंबर तीन चीजर, नंबर चार आपका है ड्रिल मशीन, नंबर पांच पे आपका ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग। नंबर छह पे आपका आता है डाई, देखिए हेक्सा के द्वारा, हेक्सा फ्रेम विद ब्लेड के द्वारा पार्ट की कटिंग करते हैं। फाइल के द्वारा जाब में अनावश्यक मटेरियल हटाने के लिए काम करते हैं। चीजल के द्वारा ग्रू खांचे या नालियां बनाने का प्रयोग करते हैं। ड्रिल मशीन के द्वारा किसी भी जाब में होल करने का प्रयोग करते हैं। और ग्राइंडिंग का काम होता है जाब को फिनिश करना। जाब में जैसे वेल्डिंग किया हुआ जाब है या कटिंग किया हुआ जाब है, उसमें बर वगैरह या रोठों को साफ करने के लिए ग्राइंडिंग का प्रयोग करते हैं। इसके बाद डाई, डाई के द्वारा हमें बाहरी चूड़ियां बनाने का काम किया जाता है। तो ये हमारे कर्तन औजार, कटिंग करने वाले औजार हो गए।